أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم 28 तारीख के दिन एक कबर खोद रहे थे हम, दो बजे आए इनामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े, तो ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जने मर चुके हैं, ये है ना वो है, तो हमारे तो हाथ पाँव खुल गए कि 10 खड्डे करने ने लाशा वाशा लेके आएगा कौन। उन्होंने बोला खाली अब हाल में तुम खड्डे करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो एक तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े हो तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको अपने जो हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियाँ चली जाए, खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से कपड़ों को समझ ना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे, तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से एरिया से? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की जो यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए, की हालत क्या थी उसके बारे में? तीन लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो पैकमैन थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो, आप मेरी बात सुनो, वो लेडीज़ की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे अभी आप नाखून के ना उसके घाव देखो तुम्हारे खुद हैरत में पड़ जाओ, क्योंकि लेडीज़ के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था, हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में ही नहीं आ रही। यानी प्रूफ, यानी प्रूफ मिटा दिया यूँ, यानी ये तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19, मेरी मदर, दादी, बड़े बा, चाची, दो भाभी, दो भतीजी, एक भतीजा, एक भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले थे। होटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे, जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। जो बड़े ऑफिसर हैं, हाँ बड़े जो थे ना मेन जो कलाकार आगे, जो जैसे नाम, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वेद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मैक सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे, फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा नहीं इंसाफ, अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे। किस किस्म का लालच? कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाता। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई,
तो यहाँ से हुई गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन साढ़े नौ हो चुका था, साढ़े नौ बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक के बाद में पुलिस कमिश्नर हाँ 10:30-11 बजे सी पांडे वो सुबह में आए थे लगभग 10:30 बजे आए थे वो 10:30-11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थी? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई, वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर वाजू आ गई, पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और पी आई यहाँ का जो वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस के नारा सभ्य थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स एमपी रह चुके वो। तकरीबन कितने 80 से 90 लोग ये रूम में थे, पूरी पब्लिक यहाँ पूरे अंदर उड़ते बच्चे सब बड़े बड़े आदमी भी और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पांव रखने की जगह नहीं, नहीं इतना फर्नीचर भी इतना, जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो, तो वकील थे इधर तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा इधर, ये सब कबाड़ चौपड़े चौपड़े। फिर हम लोग मैं और इधर सब आदमी खड़े थे मतलब, और औरतें भी थी, फिर मैं मेरी देवरानी ने हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फोन भी थे, उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो दो तीन नेता और अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी विरोध पक्ष के नेता है उनको भी फ़ोन किया, बाकी चिल्ले चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा अंकल कितना टोला बढ़ रहा है कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन कीजिए, बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है, उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गए थे जाफरी साहब, बोले आप कोई बचने का सवाल नहीं उठता है, कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं है ज़्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर, तो ये इधर मैं खड़ी थी तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर, ऐसी औरतें चिल्लावे बच्चे बेचारे चिल्लावे रो रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी नहीं। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे, तो वो लोग जितने भी थे अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी ले लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए, पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की तो ग्रिल विल तोड़ गए, हम लोग यहाँ खड़े थे बारी तोड़ दी थी पूरी। दो लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल दुलचंद जैन नगिन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेकर, तो हम यहाँ खड़े थे हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केर भी दे रहे थे, सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे ऐसे फेंके केरोसिन को, पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरबे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब, पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, पर नहीं जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए, फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे, फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बुला के इन लोगों को छोड़ दो ये लोग निर्दोष है, मुझे मैं आ रहा हूँ मुझे जो भी करना है वो करो, मेरे फादर रोक रहे थे में, तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। फिर जितनी लेडीज़ थी हमने यहाँ से ऊपर सीढ़ी से ऊपर करवाई, यहाँ से हम लोग गए थे ऊपर, काफ़ी लोग यानी 10-15 लोग थे, और ऊपर ऐसे बसते हुए गए थे यूँ नीचे होकर, देखिए पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए, जैसे यहाँ तक तो हमको पूरा सपोर्ट था, यहाँ से पत्थर आ रहे थे सब आ रहा था, और फिर यहाँ से सीधे हम लोग बसते बसते ऐसे निकले, फिर यहाँ आए तो यहाँ तो पत्थर लगने वाली, ये जो पूरा है सामने पोजीशन दुकानों की ये पूरी भरी हुई थी, और यहाँ नीचे पूरी पब्लिक, तब एरिया पड़ता है ना वो पूरा पैक था, ये पब्लिक ही पब्लिक थी, पूरी जो रेलवे ट्रैक दिख रही सामने पूरी भरी हुई थी, अब ऐसे में हम कहाँ बच के जाते। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने ऐसे ही उसको तलवार मार दी, उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े, नहीं नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे, ये बराबर बारी के पास ही
और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू आ, मैं इधर खड़ी तो मेरा वारा आया, मैं पहली खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे नंगी गंदी गंदी गालियाँ देते, देखो ये पंखे पे मेरा ये टेबल पे चढ़ाई ना, ये पंखे पे मेरा मारना। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई तो मेरा दोरा खींच लिया, सोने की चेन मैंने पहनी थी, तो साड़ी पहनी थी ना गुजराती बोलते ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोई लुहाड़ थी, ये दीवारों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवारों पे भी लोई के धब्बे, इधर सब वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने, फिर उन पे पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से, तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में बज जाती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है, बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बांस मारती थी, यहाँ नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती, ज़मीन में चोट गई थी, तो हम लोगों ने खुरेद खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे बाहर थे वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहीं पर उसको दफना दिया। बच्चियों को छोड़ी नहीं, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ी, मेरे से बड़ी उम्र की भी औरतें थी, बोलो आपको किस तरह बचाई? मेरे को वही टोले में से एक लड़के ने बचाई, उसमें से एक लड़का ऐसा बोला कि हाँ मासी मैं तुम्हारे को पहचानता हूँ, बोले तुम तो बोले मेरी मासी हो, तो वो लड़का उसको गाली देने लग गया, तो बोले है तू सच्ची बोलता है, तेरी खाला है ना, तो बोले हाँ मेरी मासी है ये, तो बोले डी कॉलोनी में रहती है, तो बोले कि चलो मासी आ जाओ, बोले ए चलो कोई इसको हाथ मत लगाना, वो छोकरे ने ऐसा बोला, तो बोले कि मैंने फिर मैंने वो लाशें देखी तो मेरा दिल घबरा गया, मैंने बोला मेरा लड़का भी अंदर है, मैं वापस मेरे को अंदर जाना है, वो छोकरे को मैंने ऐसा बोला, तो बोले कि नहीं मासी अब तुम्हारे को तो मारेंगे लेकिन मेरे को भी मार डालेंगे, क्योंकि वो लड़कों ने बोला था कि देख तू झूठ बोलेगा ना तो तेरे को हम मार डालेंगे। फिर मैंने बोला चलो इसने अपनी जान बचाई है, तो मैंने बोला अल्लाह हवाले अपने बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला अल्लाह के हवाले करके मैं निकल गई बाहर, क्या बता, सब सोसाइटी तो पूरी आग का गोला जल रही थी सोसाइटी, मेरे पाँव में इतने इतने फोले हो गए, मैं बाहर निकली तो बोलो मानते हो पूरी सोसाइटी, हमारा घर मैंने देखा तो ऐसा हो के हमारी तो पूरी जिंदगी का सहारा ही चला गया, हमारा तो एक का एक लड़का था 24 साल का था, पढ़ने में बहुत माहिर, LLB के दूसरे साल में ग्रेजुएट था BCOM। हमको तो ये क्या इंसाफ ये दे तो बहुत बड़ी बात है इनकी, ये गांधी जी का आएगा, ये गांधी बापू का है, गुजरात है गांधी, गुजरात तो अहिंसा में मानते हैं, इन्होंने तो सब अंतर्वाद जैसा किया, शैतानी बन गए, राक्षस बन गए ये लोग। गुजरात गौरव यात्रा में ताड़ी तुम्हारा कांग्रेस ना मित्रों पूछे छे हमने शेनू गौरव, एमने जरा पूछू के शानू गौरव, मैं कोई भाई तो मारा माटे आ गौरव यात्रा काढ़ी खूब जरूरी छे। आज तो एटलो समराय छे कि आपणे गुजरात ने एटले हुल्लोर करवा वाला, आपणे गुजरात ने एटले सत्ता लेने फरवा वाला, आपने गुजरात ने एटले लूटफाट करनारा, आ गुजरात नी आबरू ने खत्म करवानो एक निश्चित प्रकार नो प्रयास चाली रह्यो छे, अने एनी सामे भारतीय जनता पार्टी ए एक बीड़ू उठाव्यू छे, लोको गुजरात ने बदनाम करवा माटे लाख कोशिश करे, परंतु गुजरात ने साची बात डंका ने चोट पर दुनिया ने कहवाणों में निर्धार कर्यो छे।